हेलो डियर क्लास थ्री स्टूडेंट्स, बेटा दिस इज योर मैथ्स क्लास है ना। एंड इन आवर मैथ्स टुडे वी डू एक्सरसाइज 2.3। ओके, इन 2.3 वी हैव टू राइट द फेस वैल्यूज। क्या लिखना है हमें? फेस वैल्यूज लिखनी है बेटा। जो भी हमें नंबर गिवन है, न्यूमरल्स गिवन है, न्यूमरल्स में कुछ डिजिट जो है वो क्या किए हुए हैं, एंड सर्कल किए हुए हैं, और उन एंड सर्कल डिजिट के हमें क्या करने बेटा, फेस वैल्यूज नोट करनी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, आपके सामने ये मिरर है और इस मिरर में आपने अपने आप को देखा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपका जो खुद का फेस है वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस और नो? यस। ऐसा तो है नहीं कि देख तो आप रहे हो आपको आपकी मम्मी का फेस दिखाई देगा, नहीं देगा ना। यानी आपके फेस की, इसको आपको मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, फेस वैल्यू में हमेशा क्या होगा कि जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर खुद ही उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू होता है। ठीक है, देखिए अब इसको आप समझेंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन में वन में हमें गिवन है ए 1459 और यहाँ पे जो 9 डिजिट है वो क्या है, एन सर्कल है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को नोट कर देंगे, 1, 10, 100 एंड 1000। यहाँ आ गया 9, 5, 4, 1। ठीक है, और 9 की आपको क्या बतानी है, फेस वैल्यू। तो चाहे कोई भी नंबर गिवन हो, उस नंबर की फेस वैल्यू, जो नंबर आपको दिया उसे एज इट इज लिख लीजिए, वो नंबर खुद उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, जैसे अब बी है तो बी में हमें क्या गिवन है, 6421 और 4 पे सर्कल है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कर आपने नंबर नोट कर लिया आपने। ठीक है, इसकी आपको क्या बतानी है, फेस वैल्यू। तो इसकी जो फेस वैल्यू है ये नंबर 4 खुद है, यानी नंबर 4 इटसेल्फ खुद इसकी क्या है बेटा, फेस वैल्यू है। बात आ गई, यहाँ तक क्लियर हुई आपको? चाहे वो 1000 के नीचे हो, 100 के नीचे, 10s के नीचे, 1s के नीचे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं है ये, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू नंबर खुद एज इट इज ही वो उसकी फेस वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 2857, तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, सेम ऐसे ही इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कौन से डिजिट की पूछी है बेटा, 5। तो इसकी जो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, फेस वैल्यू इसका ये नंबर खुद 5। क्लियर हो गया आपको? एनी डिफिकल्टी बेटा? अब इसमें आपको ए बी और सी क्लियर हो गए? हो गए बेटा, समझ में आ गया? फेस वैल्यू में हमें क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है। जैसे एक बी आपको मैं बता रही हूँ, बी में आपको 1236 गिवन है, जिसमें आपके पास में जो 1 डिजिट है ये क्या हो रखा है, सर्कल हो रखा है। ऐसे ही ई में 7503 है। ठीक है, और यहाँ पर जो 0 डिजिट है ये सर्कल है। तो आप बताइए इन दोनों में फेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, यस 1, वेरी गुड। और यहाँ पर 0 की फेस वैल्यू 0। क्लियर हुआ? तो ये दोनों जो क्वेश्चन है डी और ई, ये आपको होमवर्क में खुद करना है। क्या करना है, इसको खुद अपने आप करना है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी मैंने आपको समझा दिए। ए बी सी में क्या समझाया कि हमें इसमें फेस वैल्यू बतानी थी, और फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर खुद होता है वो नंबर एज इट इज़ खुद ही अपनी फेस वैल्यू
होता है। तो आप जो नंबर गिवन है उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, वो आपकी फेस वैल्यू है। डी और ई मैंने आपको बताया, इसे आपको फिर किस में करेंगे, होमवर्क में। अब आप कहेंगे मैम होमवर्क कॉपी अलग से बनानी है? नहीं, मैथ्स की होमवर्क और क्लास ए की कॉपी बनानी है, ठीक है। आप जो भी काम करेंगे सबसे पहले तो अपनी कॉपी को ब्राउन कवर से कवर करिए, अंदर नेम लिखिए, क्लास लिखिए, अपने टेलीफोन नंबर भी लिखिए पापा या मम्मी के, किसी एक के, ठीक है। सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद अगला जो पेज है वह इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स आपको पता है कैसे बनाते हैं, एक पहले सबसे पहले लिखेंगे एस नंबर यानी सीरियल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, फिर लिखेंगे टॉपिक, फिर लिखेंगे डेट और फिर क्लास वर्क या होमवर्क जो आप कर रहे हैं वो आप लिख लेंगे, बस इतना सही। और एक लास्ट कॉलम टीचर रिमार्क्स के लिए छोड़ देंगे। जब टीचर्स आप जब स्कूल जाएंगे आपकी जब भी कॉपीज चेक होगी तो वो आपकी कॉपी को एज इट इज़ चेक कर लेगी, ठीक है। तो जो वर्क आप जो डेट में कर रहे हैं उसे एज इट इज़ नोट करते चलिए बेटा। ये वर्क आप किस में करेंगे, मैथ्स की नोटबुक में, स्क्वायर बॉक्स वाली जो नोटबुक आती है वो आपको पता है, मैंने पहले आपके टीचर ने भी बता दिया, सेम वही नोटबुक आपको बनानी है। और इसको आपको किस में करना है, अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है। कौन सी एक्सरसाइज है, 2.3, समझ आ गई 2.3 आपको बेटा, ठीक है। तो 2.3 का डी और ई क्या है, होमवर्क। ए बी सी किस में करना है, क्लास वर्क में। दूसरा, हर क्वेश्चन के नीचे दूसरा क्वेश्चन करना है, बीच में एक एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक साथ ही सारी खिचड़ी पका दी। और एक एक्सरसाइज जब खत्म हो जाती है तो दूसरी एक्सरसाइज उसके नीचे से नहीं शुरू करनी, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करनी, ओके क्लियर। जैसे 2.1 फिनिश हो गई तो आप 2.2 दूसरे पेज से करेंगे, 2.2 फिनिश हो गई तो 2.3 नेक्स्ट पेज से करेंगे, और 2.3 फिनिश हो गई तो 2.4 नेक्स्ट पेज से करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2.3 क्योंकि हमारी फिनिश हो गई है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। चलिए हम 2.4 देखते हैं। 2.4 भी बहुत ईजी है, इसमें तो हमने क्या किया था, यस यहाँ पर हमने फेस वैल्यू बताई थी, है ना। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, उसमें हमें प्लेस वैल्यू शो करनी है। क्या बताना है बेटा, 2.4 में हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, 2.4 और प्लेस वैल्यू, यानी वो जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल में आपने क्या देखा, ये एक चेयर है, किसकी है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद एक टेबल रखी हुई है इस तरीके से, उसके बाद बहुत सारी बेंचेस हैं। तो इस चेयर पे स्कूल में कौन बैठता है, आप नहीं, यहाँ कौन बैठता है, टीचर, ठीक है। और ये जो बेंचेस है यहाँ कौन बैठते हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। यानी ये जो प्लेस है, ये प्लेस की वैल्यू क्या है, टीचर, यानी ये टीचर की प्लेस है और इस प्लेस पे स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो प्रिंसिपल सर का रूम होता है या डायरेक्टर सर का रूम होता है, उसमें भी आपने देखा एक चेयर यहाँ लगी होती, बाकी सब चेयर्स साइड में लगी होती। तो इस चेयर की, जिनका ये रूम है, अगर प्रिंसिपल सर का है तो प्रिंसिपल सर की चेयर, यानी इसकी प्लेस की वैल्यू है प्रिंसिपल, और यहाँ पे जो बैठते हैं उनकी, ठीक है। तो ये है प्लेस, यानी प्लेस की, प्लेस की वैल्यू। ऐसे ही मैथ्स में हमने प्लेस वैल्यू चार्ट आप लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी डिजिट आपको गिवन है वो डिजिट कहाँ गिवन है, किसके नीचे है, वही उसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, जो ए में आपको क्या गिवन है, 2045। बी में आपको क्या गिवन है, 6921। और जो सी है, सी में आपको गिवन है 6825। जो डी है, डी में आपको क्या गिवन है, 5431। एंड एट लास्ट ई में आपको क्या गिवन है बेटा, 7502, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से
रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे और एक प्लेस वाली चार्ट मिलेगी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, लिख लिया आपने? ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अब यहाँ पे कुछ डिजिट्स क्या है एंसर कर रही है, जैसे यहाँ पर तो है फाइव, नेक्स्ट में है नाइन, सिक्स, थ्री एंड जीरो, और इनकी प्लेस वैल्यूज बता दिए। तो आपने क्या देखा कि जो ए है ना, ए में मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो मेरा फाइव डिजिट है वो किसके नीचे है, वंस के नीचे, यानी इसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ फाइव है। ऐसे बी पे आपने क्या देखा, यहाँ जो नाइन डिजिट भी बना इस यहाँ पर है हंड्रेड के नीचे, तो नाइन हंड्रेड, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, नाइन हंड्रेड। ऐसे ही जो ये सी है, ठीक है, तो सी में मैंने क्या देखा कि ये जो सिक्स है, ये सिक्स किसके नीचे है, थाउजेंड के नीचे, यानी सिक्स थाउजेंड। ठीक है, ऐसे ही डी में आ जाइए आप, डी में मैंने क्या देखा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, ये थ्री किसके नीचे है, टेंस के नीचे, और टेंस में कितना जीरो आता है, एक जीरो, यानी थर्टी। ऐसे ही ई, ई में मैंने क्या देखा कि इसके अंदर इस जीरो की प्लेस वैल्यू है जीरो। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.4, इसमें प्लेस वैल्यूज बतानी, किस प्लेस के नीचे है वो उसकी वैल्यू है। आपको पता है वंस में एक भी जीरो नहीं आता, टेंस में वन जीरो लगता है, हंड्रेड में टू जीरो लगते हैं, थाउजेंड में थ्री जीरो। अब मैंने क्या देखा कि ए में जो फाइव है ना, तो इसका जो प्लेस वैल्यू थी फाइव की क्या है, फाइव। यहाँ पे नाइन किसके नीचे है, हंड्रेड के नीचे, हंड्रेड में लगे टू जीरो। ऐसे यहाँ पे जो सिक्स है ना, तो सिक्स किसके नीचे है, थाउजेंड के नीचे, यानी यहाँ पे कितने जीरो आ गए, थ्री जीरो, सिक्स थाउजेंड। ऐसे थ्री में टेंथ के नीचे, यानी टेंथ पे वन जीरो लगता है, और ये भी आ गया अपना जीरो, क्योंकि जीरो खुद अपने आप में नथिंग है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको 2.4 दोनों तरीके से समझा दिया है, ठीक है, 2.3, 2.4, ये दोनों आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? पेंसिल से गुड हैंडराइटिंग में अच्छे से स्केल की हेल्प से आप ये पूरा ड्रॉ करेंगे और फिर इस वर्क को करेंगे। ओके, बाय।